हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। मुझे लगा नहीं था कि आप लोग इतना प्यार देंगे, बट थैंक यू। तो जैसे कि आप लोग को पता है, मैं पीजी में रहती हूँ, तो कभी कभी यहाँ पे सब्जियाँ नहीं रहती हैं या फिर रिसोर्सेज नहीं रहते हैं, तो हम फिर क्या खाएं? ऐसे टाइम के लिए मैं झटपट बनने वाला एक प्यारा सा टेस्टी नाश्ता लेके आई हूँ, जिसे खा के आपका दिन बन जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। बर्तन में सूजी लें, प्याज, धनिया, मिर्ची डाल दें। अब इसमें इतना मठा डालें कि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से भीग जाए। अब इसे अच्छी तरह मिला दें और थोड़ी देर के लिए उसको रख दें साइड में। अब कढ़ाई में तेल डालें, मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। जब तेल हमारा मस्त गर्म हो जाए तो उसमें मिर्ची, राई, ज़ीरा और मीठी नीम को डाल दें। और उसको अच्छे से मिक्स कर दें। जब हमारी राई चटकने लगे, उसके बाद हमें जो हमारा सूजी का मिक्सचर है वो उसमें डाल देना है। अब इसमें हम ये धुला हुआ पानी डाल देते हैं। पानी इतना डालिएगा कि हमारी सूजी से वो थोड़ा सा ऊपर रहे, ठीक है? और उसको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालिए, एक बार खौल आने तक। देखिए अच्छे से खौल रहा है, ये अच्छे से खौल जाए एक बार, उसके बाद उसको धीमे करके सिम में रख के उसको ढक्कन ढक दीजिए और 2 से 3 मिनट बाद उसको चेक करिएगा। अगर आपको लगे कि पानी कम हो गया है तो आपका तैयार है, और अगर पानी बचा हुआ है तो उसको फिर से ढक दीजिए। हमारा ये नाश्ता तैयार है। अब इसको आप सर्व करके खाइए गरम गरम। और अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, एक बात, आपने पिछली अगर दाल की रेसिपी बनाई है तो अरे उसको हमें शेयर तो करिए कि अच्छी बनी है कि नहीं बनी है। तो और अगर आपको कोई और रेसिपी की वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उसको बनाने की। अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और एक लाइक करके